Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacies. तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल अंकुश गेमिंग में। तो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि मतलब ये जो ऑनलाइन पे स्कैम हो रहे हैं ना, इनसे आप किस तरह सावधान रह सकते हो। और ये गाइस बहुत ज़्यादा, ये सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इसका यूज़ कर रहे हैं और गाइस वो फ़ायदा उठाते हैं और उनकी आवाज़ को कोई दबा नहीं पाता है। आपकी आवाज़ दब जाती है, वो दबा देते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं और उस टाइम पर आपके पास उतना वो ऑप्शन नहीं होता है कि आप अपनी आवाज़ किसके पहुँचा सको। लाइक अगर किसी भी यूट्यूबर को आप बोलते हो तो वो कंट्रोवर्सी नहीं चाहता है और वो बता भी देगा तब पर भी उसमें कंट्रोवर्सी होने लगती है। और ऐसा भी अपने इंडियन कम्युनिटी फ्री फायर कम्युनिटी में हो रहा है। तो लाइक मैं उसके ऊपर बताने वाला हूँ गाइस कि आप किस तरह ऑनलाइन स्कैम से बच सकते हो। तो यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार सब्सक्राइब कर दो और जितना हो सके यार वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि गाइस मैं इससे रिलेटेड मतलब अलग अलग वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ यार। और ये नहीं कि भाई मैं भी टिप्स एंड ट्रिक्स बनाता हूँ, तो यार बड़े यूट्यूबर्स का ही यार जरूरी नहीं कि आप बड़े यूट्यूबर्स का ही देखो, लाइक मेरा भी आप देख सकते हो यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं, पे मैं नाम नहीं लूंगा किसका भी, लेकिन ये जो बड़े यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं इस टाइम, जो कि आपसे क्या करते हैं, आपसे बोलते हैं यार मैं तुम्हें डायमंड दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, और आप सोचते हैं यार ये तो बड़ा यूट्यूबर है भाई, सही बोल रहा है, दे देगा, कुछ भरोसा नहीं, पैसे भी कमाता है। तो वो पैसे कमाता है लेकिन वो आपको क्यों देगा, वो आपसे आईडी पासवर्ड ले लेता है और क्या करता है बेच देता है वो। और लाइक किसी तरह कम एज वाले मतलब लाइक जो बच्चे खेलते हैं उन्हें भी उतना पता नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं बहला फुसला के लाइक क्या करते हैं उनसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल लेके वहाँ से कितना अमाउंट वो लोग ले लेते हैं। और गाइस इसकी आवाज़ को कोई दबा नहीं पाता है, मतलब दबा देते हैं वो लोग। और बड़े यूट्यूबर इसमें कई मामले भी सामने आ चुके हैं, मतलब कई बार ऐसा हुआ है। और इसके मतलब स्काई लॉर्ड जो एक यूट्यूबर है और उसने बताया भी है। तो लाइक ये बात बिल्कुल सही है यार, ये जो ऑनलाइन स्कैम ये लोग कर रहे हैं ना, ये बहुत बेकार स्कैम कर रहे हैं और इसके ऊपर आप फंस जाते हो। लाइक कोई भी यूट्यूबर आपसे अगर ईमेल पासवर्ड कुछ भी मांगे आप मत दिया करो। लाइक मेरे चैनल पर आके एक बंदे ने कमेंट किया था, भाई मुझे डिजीलॉकर दे दो, मैं अपना फेसबुक आईडी पासवर्ड दूँ, उसे मैंने मना कर दिया था। लाइक क्योंकि मेरे को ये नहीं करना है यार, आप डीजे आलोक के लालच में आके अपने आईडी पासवर्ड दे दोगे पूरा आपका ले लेगा कोई। लाइक मैं तो एक सब करता नहीं हूँ, मेरा काम है भाई आपको बस सावधान करना, आपका काम है कि उसे फॉलो करो या ना करो। और लाइक मेरी वीडियो आप देखना पसंद करते हो या नहीं करते हो तो मुझे नहीं मालूम है, कुछ भरोसा नहीं गाइस। आप ये सोचो यार छोटा यूट्यूबर है छोड़ जान दे, इसका कौन देखेगा, मैं तो बड़े यूट्यूबर का देखूंगा, ऐसा बोल के चले जाते, मुझे पता है गाइस। और यही है, छोटे यूट्यूबर को कोई सपोर्ट नहीं करता है, मुझे पता है, और फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ गाइस, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अपना मेहनत करना है। और लाइक मैं किससे सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज मैं अब क्या करूँगा यार, कौन सपोर्ट कोई करने वाला है नहीं, बस जो करना है अपनी मेहनत से करना है। और लाइक मैं आपको यहाँ पे अपना इस मतलब स्कैम का बता रहा हूँ गाइस, इसके चक्कर में अगर आप फंस गए ना आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। लाइक अगर आपके घर परिवार में कोई दूसरा भी है जो यूज़ करता है और जो कम एज के बच्चे हैं उन्हें ये लोग बहुत जल्दी फंसा लेते हैं स्कैम के चक्कर में। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पे ना किसके ऊपर भरोसा मत करना, वो मेरे दोस्त के साथ भी एक स्कैम हो चुका है जो कि मैंने बताया था आपको पिछले वीडियोज़ में, जो कि मैं फेसबुक के ऊपर बनाया था कि जो फेसबुक अकाउंट वो लोग कैसे हैक करते हैं, तो उसका भी इसी तरह हैक हो चुका है, वो भी मतलब एकदम फंस गया, उसको भी मतलब एकदम चमन बना के निकल लिए फेसबुक आईडी वाईडी लेके। उसने आईडी एक्सचेंज कर रहा था वो, क्योंकि सामने जो प्लेयर बंदा था उसका काफ़ी अच्छा आईडी था, उसके पास काफ़ी अच्छे अच्छे बंडल थे, उसने एक्सचेंज किया और उसने आईडी पासवर्ड चेंज करके उसकी मेरे दोस्त की आईडी दूसरे के हाथ में बेच दी। तो ये कंडीशन है यार, मतलब ये सिर्फ मेरे दोस्त के साथ नहीं, बहुत ज़्यादा फ्री फायर प्लेयर्स जो खेलते हैं उनके साथ हो रहा है और इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। लाइक मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ बट मेरा पे कौन सपोर्ट करेगा तो मुझे पता नहीं गाइस, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ कि आप मतलब इसका मतलब ये जो गलत यूज़ कर रहे हैं ना इसका, इनसे आप बच सको और ये लोग को मतलब ये लोग को आप ये सब से बच सको एंड आपका ये जो खाली कर देते हैं ये ना हो सके। और इसी के ऊपर मैं बता रहा हूँ गाइस, और इसमें मेरा कुछ हो नहीं है, मेरा कुछ फ़ायदा कि मैं इसमें ये सब करता हूँ। लाइक अगर कोई बोलता भी है तो मतलब ये सब करना, ये जो करते हैं ना कितने बड़े अपने नाम का ये जो गलत यूज़ करते हैं ना, ये बहुत बेकार यूज़ करते हैं और ये दूसरे का ये जो लूटते हैं ना ये बहुत महारद्द काम करते हैं। क्योंकि आपको पता है गाइस, अगर कोई बड़ा यूट्यूबर है लाइक आप उसे देखना पसंद करते हो, अगर वो कुछ भी बोलता है गिवअवे कराता है ट्रस्ट कर लेते हो, बिकॉज वो बड़ा यूट्यूबर है एंड वो पैसे कमाता है, आपको ट्रस्ट हो जाता है और देगा ऐसा आप मान लेते हो और उसे जो मांगता है वो दे देते हो, क्योंकि आपको एक तरह से यकीन नहीं होता यार इतना बड़ा यूट्यूबर यार। और ये सुनते ही ना कोई बड़ा यूट्यूबर आया है आपके मतलब साथ खेलने के लिए या कुछ आपसे मांग रहा है, तो आप मतलब से आप दिल खुल के दे देते हो, यार ये तो बड़ा यूट्यूबर है छोड़ जान दे देता हूँ यार, मतलब आप एकदम से वो हो जाते हो खुशी
आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है कि यार इतना बड़ा यूट्यूबर यार मेरे से आया है, तो आप उसे सब कुछ दे देते हो और वो क्या करता है यार, वो बहुत शाना आपका सब कुछ खाली कर देगा। अब आप क्या कर लोगे, आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते। आप जाओगे दूसरे यूट्यूबर कमेंट करोगे, बहुत मुश्किल से कोई पढ़ता है, अगर कोई पढ़ भी लेता है आपका तो क्या करेगा, आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएगा, अगर मना भी देता है ना तो उसको कंट्रोवर्सी होने लगेगी। अगर वो छोटा यूट्यूबर रहेगा तो उसकी भी उतनी कोई नहीं सुनने वाला है, तो उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो कंट्रोवर्सी वो चाहता नहीं है, तो आपको मतलब आपके ऊपर वीडियो नहीं बनाएगा। अगर बना भी देता है ना तो कुछ नहीं हो सकता है उसके ऊपर, बिकॉज आप जानते ही हो स्काईलॉर्ड ने भी इसके ऊपर मनाया था, तो उसको भी कुछ नहीं हुआ, इसके ऊपर कुछ एक्शन आगे नहीं लिया गया। और वो लोग क्या बोलते हैं ना, वो लोग अपना कुछ भी मतलब वचन दे के निकल लेते हैं और आप लोग यकीन कर लेते हो कि हाँ वो सच बोल रहा है, ये तो ऐसे ही फालतू अपना व्यूज़ कमाने के लिए वीडियो बना दिया। तो गाइस व्यूज़ के लिए वो ऐसी वीडियो क्यों बनाएगा, वो तो कुछ और भी वीडियो बना सकता है जब उसके पास इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर है। तो वो सच बोल रहा है गाइस, और जो सच बोलता है उसके यहाँ पर बहुत कम सपोर्ट कर रहे हैं, गैरिना भी उसको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो लोग को सच बोलने वाले चाहिए ही नहीं। वो लोग के पास गेम की तारीफ़ें करो, चाहे फेक हो कुछ भी आए, बस गेम की तारीफ़ें करनी चाहिए और गेम प्ले बनाओ यार, फेक हो कि क्या हेडशॉट पड़ता है यार, बहुत ही अच्छा गेम है, ऐसा फेक हो तब गैरिना खुश होता है। और गैरिना का ज़्यादा करके झूठ बोलो कि यार ये प्लेयर बहुत अच्छा है, क्या मारता है यार, और स्कैम उस्कैम के बारे में तो बात ही मत करो। और ये जो हो रहा है फ्रॉड, इसके ऊपर बात करोगे ना तो कोई आपको नहीं देखने वाला, कोई कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो गाइस बस इतना ही कहना है, और गाइस इसी पर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ यार, और मेरी पिछली वीडियोज़ भी जाके देखो यार, मैंने उसके ऊपर बनाई हुई है यार, जाके देखा करो। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और जितना हो सके शेयर कर दो अपने दोस्त लोग को भी, कि उन्हें भी पता चले ये ऑनलाइन स्कैम्स के ऊपर। और मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।